हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दियों का सीजन चल रहा है और इस सीजन में हमें गाजर का हलवा खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बट हमें उसे कद्दूकस करने के पहले सोचते हैं कि कैसे कद्दूकस करेंगे, इतना ठंड हो रही है। और फ्रेंड्स, कभी कभी कद्दूकस करने के टाइम ये फिंगर्स में कट भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से गाजर का हलवा बनाने सिखा रही हूँ, वो भी बिना कद्दूकस किए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये 5 गाजर जो लगभग आधा किलो हैं, इन्हें अच्छे से वॉश करके ये देखिए सुखा लिया है। अब इन्हें ऐसे कट कर देते हैं इतने बड़े बड़े पीसेस में। फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से सारी गाजर को इतने ही मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैंने सारी गाजर को ये देखिए इतने मोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स, इसे मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, हमें इसे ग्राइंड करने के टाइम पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही मोटा मोटा दरदरा पीस लेना है, बिल्कुल इसे पेस्ट नहीं बनाना है। चलिए अब इसे ग्राइंड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और मैंने इसको बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं ग्राइंड किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा दरदरा ही है, देखिए। आप चाहें तो सारी गाजर को इसी तरह ग्राइंड करके हलवा बना सकते हैं, या आप चाहें तो ट्रेडिशनल भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग कद्दूकस करते हैं ऐसे। फ्रेंड्स, इससे कटने का डर रहता है, इसलिए मैंने आपको उस तरीके से बताया था, क्योंकि जब गाजर छोटी हो जाती है तो यहाँ पे ऐसे कटने का डर रहता है। मैं लास्ट ईयर कट गई थी, इसीलिए मैंने सोचा इस तरीके से बनाते हैं इस बार। देखिए फ्रेंड्स, मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। अब इसी तरह ये दोनों गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे गाजर को कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो सारी गाजर को कद्दूकस करके हलवा बना सकते हैं, या इस तरीके से हलवा बना सकते हैं ग्राइंड करके। ये थोड़ा सा क्विक वे है, बस आपको मिक्सर में डालना है और हल्का हल्का दरदरा इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वैसे तो मैं इन दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि फ्लेवर तो सेम ही आना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं इसे पकाना। फ्रेंड्स, इसके साथ ही देख लेते हैं हमें अदर इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या यूज़ किए हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गाजर के लिए मैंने 1 लीटर दूध यूज़ किया है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, मैंने इसको बीच से कट कर दिया था, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से बादाम, ये नारियल कद्दूकस किया हुआ, और लगभग 250 ग्राम चीनी यूज़ किया है। आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा खाना पसंद हो। और थोड़ी सी ये इलायची पाउडर, मैंने इसको कूट लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें लगभग ये आधा चम्मच घी डाल दिया है, ये देसी घी है, मैंने इसे घर पे ही बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भूनने से बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है इन ड्राई फ्रूट्स से, और उसका फ्लेवर बढ़ जाता है गाजर के हलवे का। इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का सा, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, ज़्यादा ना भूने नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी काजू बादाम भून गए हैं, ये देखिए। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर इसे थोड़ा सा भून ले ड्राई फ्रूट्स को, बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है, फ्लेवर भी इसका हलवे का बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब इसी कढ़ाई में ये लगभग आधा चम्मच घी और डाल देते हैं। अब इसमें कद्दूकस की हुई और ग्राइंड की हुई इस गाजर को डाल देंगे और इसे भून लेंगे, क्योंकि गाजर को इसमें भूनने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर बढ़ जाता है इसका। थोड़ी देर से भून लें।
दो तीन मिनट तक इसी तरह भून लें, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम ना करें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा गाजर का कलर भी चेंज हो गया है, अब ये अच्छे से फ्राई हो गई है। और फ्रेंड्स, आपको ये मेरे गाजर का हलवा बनाने की बिल्कुल न्यू रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब चलिए फ्रेंड्स, इसमें दूध डाल देते हैं। ये 1 लीटर दूध है। अब इसे मिक्स कर दें। अब इसे हम कवर कर देते हैं और एक बार बॉयल आने तक के इसे थोड़ा सा बॉयल होने देंगे और इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें, नहीं तो ये उबाल जब तेज होगा, अगर हाई फ्लेम पे हम लोग रखेंगे तो पूरा बहने लगेगा ऊपर को। अब फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं इसमें बॉयल आ गया है या नहीं। ये देखिए, अब इसमें बॉयल आ रहा है, इसे थोड़ा सा चला देते हैं। फ्रेंड्स, अब इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दें और इसे खुले में ही थोड़ी देर पका लें ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है इसका वो निकल जाए और दूध भी थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर इसे खुले में ही पका लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने डाल देते हैं, किशमिश, नारियल कद्दूकस किया हुआ और ये काजू बादाम जो भुना था। इलायची पाउडर, अब ये सबको चला देते हैं ताकि सारी जगह ये मिक्स हो जाए। अब इसमें चीनी डाल देते हैं और इसे सब जगह मिक्स कर देते हैं। चीनी हमने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये चिपकने लगती है सब साइड साइड में और नीचे साइड में। अब इसे थोड़ी देर तक पका लेते हैं, थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाए और चीनी भी तब तक मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हलवा लगभग बन चुका है, ये थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है। अभी इसे थोड़ा कुछ मिनट और पका लेते हैं, लगभग 4 या 5 मिनट, थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल यम्मी यम्मी गाजर का हलवा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है क्योंकि हम लोगों ने इसकी सारी चीज़ें घी में भून लिया था, उससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ गया है। चलिए फ्रेंड्स, अभी इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल गर्मा गर्म बिल्कुल टेस्टी टेस्टी हलवा रेडी है। और फ्रेंड्स, इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है क्योंकि मैंने इसमें सारा चीज़ें जो है घी में अच्छे से भून लिया था, तो ये बहुत ही हेल्दी भी हो गया है और बहुत ही इंस्टेंट एक स्मेल भी अच्छी सी आ रही है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा हलवा ऐसा न्यू ट्रिक से बनाने का अगर स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।